जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। कुंडली में दरिद्र योग, जीवन में बनी रहती है धन की तंगी। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं माँ बगलामुखी के ज्योतिष केंद्र से आचार्य प्रदीप भारद्वाज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि कुंडली में बनने वाले दरिद्र योग का निर्माण कैसे होता है और कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है। भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दरिद्र योग एक ऐसा योग, एक ऐसा भयंकर संकट ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है और इस दरिद्र योग के निर्माण के कारण जीवन में जातक के अनेकों अनेक परेशानियां, धन की तंगी, अपयश, हानि और अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वह जातक के जीवन में निरंतर बनी रहती है और उसको उसकी समस्याओं से छुटकारा ही नहीं मिलता और तमाम जीवन उस व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों का अभाव रहता है तथा उसके जीवन में जो दैनिक जीवन के दिनचर्या जीने के लिए जिन वस्तुओं की, जिन चीज़ों की या एक गृहस्थी चलाने के लिए जिन वस्तुओं की या कोई भी आपके काम की जो ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं उन चीज़ों का भी अभाव ऐसे लोगों के जीवन में बन जाता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में दरिद्र योग है या नहीं? जैसे बहुत सारी कुंडली में महालक्ष्मी योग भी होता है तो इसी प्रकार से वैदिक ज्योतिष के अनुसार अनेकों प्रकार के योग ग्रहों के अनुसार कुंडली में बनते हैं और जिसके कारण हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फलों की हमारे जीवन में हमें प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है ऐसे लोगों के जीवन में रहती है धन की तंगी। यदि आपकी कुंडली में आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं दरिद्र योग का निर्माण तो नहीं है, आप भी धन की तंगी से परेशान रहते हैं, अपयश, हानि और निरंतर चहुओं से आपको यदि कर्जे ने घेरा हुआ है तो आप भी अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर इस दरिद्र योग से बनने वाले कुप्रभावों से बचने के लिए आप इसका निवारण अपने जीवन में अवश्य करें ताकि आपका जीवन सुखी और सुखद हो। यदि आपकी कुंडली में 11वें घर का जो स्वामी ग्रह है, यदि 11वें घर में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, यदि 6 नंबर लिखा हुआ है तो 6 नंबर बुध इसके स्वामी है, तो आप अपनी कुंडली के 11वें घर को चेक अवश्य करें कि खाना नंबर जो 11 है उसमें कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन सा है। यदि उसका स्वामी आपके जन्म कुंडली में 6, 8, 12 घर में स्थित हो तो ऐसे में कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है। कुंडली में 6, 8 और 12 जो घर होते हैं इनको अच्छा नहीं माना जाता, कर्ज के हिसाब से भी और वैसे रोग, ऋण, शत्रु, मृत्यु और व्यय के हिसाब से भी, क्योंकि 6ठा जो घर होता है वो रोग, ऋण, कर्जे का होता है और 8ष्टम जो घर होता है उससे हम मृत्यु, आयु आदि का विचार करते हैं और 12वां जो घर होता है उससे हम अपने खर्च का विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में 11वें घर का जो स्वामी है वह 6, 8, 12 में कहीं भी यदि स्थित है तो आपकी कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है। दरिद्र योग के बन जाने के कारण दरिद्र योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति उनकी जीवन भर खराब रहती है, वो निरंतर कर्जे में डूबे रहते हैं तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकटों का, कर्जे का, रोग का, ऋण का
निरंतर ही ऐसे लोगों को अपने जीवन में कर्जे का सामना बार बार करना पड़ता है और वह कर्ज आसानी से उतर नहीं पाता। भक्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है तो आप किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा वैदिक पूजा के अनुसार इसका समाधान कर सकते हैं ताकि आपको इस दरिद्र योग से छुटकारा मिले, जीवन में सुख शांति भौतिक सुखों की आपके जीवन में प्राप्ति हो, आपका जो दैनिक जो दिनचर्या है, जो आपकी आजीविका, आपके परिवार के साथ आप जो जीना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप डिजर्व करते हैं और वो आपको चाह करके भी यदि नहीं मिल पा रही तो आपको इस दरिद्र योग का समाधान वैदिक पूजा के अनुसार अवश्य कर लेना चाहिए। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। भक्तों, एक बात मैं अपने सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। माँ बगलामुखी की कृपा, मैं जो मेरे चैनल पर जो भी भक्त जुड़े हैं, नित्य प्रतिदिन दोनों काल की जो संध्याएं होती हैं, पूजा होती है हमारी, उसमें मैं माँ बगलामुखी से विशेष अनुरोध आप सभी लोगों के लिए करता हूँ कि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो माँ बगलामुखी में आस्था रखते हैं, जिन लोगों का माँ बगलामुखी में एक विश्वास है, उनकी आस्था को, उनके विश्वास को माँ कभी ना टूटने दें तथा आपके जीवन में रोग, ऋण, भय, शत्रु आदि बाधा या आपकी समस्त कामनाएं माँ बगलामुखी के दरबार से YouTube चैनल से आप जुड़े। हमारे संस्थान के द्वारा केवल एक ही कामना है कि जो भी व्यक्ति माँ बगलामुखी के दरबार से जुड़ा है, माँ बगलामुखी में आस्था रखता है, उन लोगों का कभी अनिष्ट ना हो। भगवती जगदम्बा महामाई की कृपा सदासदैव के लिए उन लोगों पर बनी रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आपको दबा करके शेयर करना है, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।